स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम जो है दूसरा एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं पंपिंग लेमा के ऊपर बेस्ड। तो देखिए, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एक लैंग्वेज एल को प्रूव करना है कि ये प्राइम वो सॉरी ये रेगुलर नहीं है। देखिए, ये काफी बार यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज एल है क्या। लैंग्वेज एल जो है वो ए के थ्रू रिप्रेजेंटेबल है, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ए की पावर में, और वो पावर क्या है, पी इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो जब ये प्राइम नंबर होगा तो लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स क्या क्या होंगी, एल इक्वल टू सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, दो। तो इसलिए ए ए इसका पार्ट हो गया। फिर अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तीन। तो ए ए ए इसका पार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज फाइव, ए ए ए ए ए जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द सेवन, ए ए ए ए ए ए ए। तो इसी तरीके से जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी जो कि जिनकी लेंथ जो है प्राइम नंबर होगी वो इसका पार्ट है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो हमारा की पॉइंट निकल के ये आया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज प्राइम नंबर। तो इसी चीज को हम यूज करके आगे प्रूफ करेंगे कि पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है हमारी वो रेगुलर नहीं है। लेकिन हम जब पंपिंग लेमा को अप्लाई करेंगे उसके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तीन स्टेप में इसको परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है। स्टेप नंबर वन में हम ये एज्यूम करेंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि एल रेगुलर है, रेगुलर, और जिस मशीन के थ्रू ये एक्सेप्टेबल है इसकी स्टेट्स कितनी हैं, स्टेट हैं इसकी स्मॉल हैं। तो ये दो अजम्पशंस हमारे स्टार्टिंग में लेके चले हम कि L एक रेगुलर है, और ये L जिस मशीन के थ्रू एक्सेप्टेबल है उसमें स्मॉल n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अब बात आती है स्टेप नंबर टू की। स्टेप नंबर टू में हमने W को लिया, एज्यूम करा a की पावर p में, और p को हमने इस तरीके से लिया क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है कि p इज सच ए प्राइम नंबर Which is greater than n, क्योंकि जो W की लेंथ है वो आपका जो है नंबर ऑफ स्टेट्स मशीन की उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टेट्स से ज्यादा लेंथ बड़ी होगी तभी उसके अंदर स्टेट्स का रिपीटिशन होगा और लूप जो है वो फॉर्म होगा। इसलिए हमेशा हम मानते हैं कि स्मॉल n से जो है लेंथ जो है बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पंपिंग लेमा के थ्रू क्या होगा, पंपिंग लेमा के थ्रू W कैन बी रिप्रेजेंटेड एज X, Y, Z विद लेंथ ऑफ Y इज ग्रेटर देन जीरो एंड कंबाइंड लेंथ ऑफ X एंड Y इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये हमारे पास कंडीशंस होंगे, क्योंकि पंपिंग लेमा ये कहता है कि अगर W जो है एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसमें Y की जो लेंथ है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए और एक्स वाई की जो कंबाइंड लेंथ है वो n से छोटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि देखिए ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट है और ऊपर जो लैंग्वेज गिवन है वो है क्या, वो एक ही फॉर्म में ही है सारी की सारी स्ट्रिंग्स, तो इसलिए हियर x, y and
and z are simply strings of a's. एक ही स्ट्रिंग होंगी क्योंकि ऊपर जो लैंग्वेज है वो एक ही पावर p है जो ओरिजिनल लैंग्वेज हमें गिवन है. तो इसका मतलब x भी एक ही पावर में समथिंग कुछ होगा, y भी एक ही पावर में समथिंग कुछ होगा और z भी एक ही पावर में कुछ होगा. तो अगर ऐसा है तो हमने ये मान लिया कि y is equal to a की पावर m for some m greater than equal to 1 and m greater than equal to less than equal to n. ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाले इस स्टेप के थ्रू क्या होगा कि लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन 0 और जो कि यहां पर y की लेंथ क्या है, दिस इज m इज ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्लियर? और ऐसा ही इस स्टेप के थ्रू जब हमारा जो है x और y की कंबाइन लेंथ लेस देन n है तो y की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू n होगी और y की लेंथ है क्या, हमने क्या माना है इसको, a की पावर m. तो इसका मतलब m इज लेस देन इक्वल टू n. तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हमारी यहां निकल के आई हैं. अब बात करते हैं हम क्या स्टेप नंबर 3 की. स्टेप 3 में i का अजम्पशन है कि i को हम कैसे लेके चलें. हमने यहां पर i को ले लिया, i इज इक्वल टू p प्लस 1. क्या लिया? p प्लस 1. और इस i के थ्रू जो रिप्रेजेंटेबल स्ट्रिंग है x y की पावर i z, i हमारा p प्लस 1 है तो ये बिलोंग होनी चाहिए किसको, लैंग्वेज को. ये लैंग्वेज का पार्ट होनी चाहिए. तो अब हम वही चीज लेके चलते हैं. तो जब अगर i हमारा ये है तो इसका मतलब इसकी लेंथ x y की पावर i, z स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y की पावर i प्लस लेंथ ऑफ z. क्लियर? इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ z प्लस लेंथ ऑफ y की पावर i माइनस 1. हमने यहां से एक पावर यहां पर ले ली. अब ये क्या है, ये है w, लेंथ ऑफ w, और लेंथ ऑफ w ऊपर हमने क्या माना है, दैट इज p. सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में लेंथ ऑफ w क्या है, p. तो इसलिए ये आपका आ जाएगा यहां p प्लस y की पावर i माइनस 1 इसके लेंथ. इसको हम रिफॉर्म करके लिख सकते हैं, p प्लस i माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ y. इसको दोबारा रिफॉर्म करके हम लिख सकते हैं, p प्लस i माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ y कितना है, लेंथ ऑफ y है m. देखिए स्टेप नंबर 2 पर, यहां पर हम देख लेते हैं, स्टेप 2 पर हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू a की पावर m, तो इसलिए लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू m. तो इस तरीके से यहां पर हम इसको पुट कर देंगे, दिस इज m. तो रिफॉर्म हम अब इसको करेंगे तो ये हो गया, और i माइनस 1 तो p प्लस i माइनस 1. तो देखिए स्टेप नंबर 3 में जो कि हमने यहां माना है, अब आप चेक करेंगे, ये यहां हम ले आते हैं इसको, इसमें हमने क्या लिया है, i इज इक्वल टू p प्लस 1, तो p इज इक्वल टू i माइनस 1. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, p
प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी पी और डॉट एम। अब यहां से हम पी को कॉमन ले लेंगे तो पी डॉट 1 प्लस एम, 1 प्लस एम। तो इस तरीके से जो लेंथ ऑफ एक्स वाई के पावर आई जेड है वो कितना आया, ये है आपका एक्स है, एक्स वाई की पावर जेड की जो लेंथ है वो कितना आया, उसकी लेंथ है ये वाली, ये। तो लेकिन अगर आप यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब लेंथ क्या है, लेंथ आपका पी, पी में ब्रेक डाउन हो रही है और आई प्लस 1 प्लस एम में ब्रेक डाउन हो रही है। इसका मतलब फैक्टर पॉसिबल है, फैक्टर पॉसिबल, लेकिन प्राइम नंबर के क्या फैक्टर होते हैं, कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो इसका मतलब जो हम स्ट्रिंग यहां लेके चले थे एक्स वाई की पावर आई जेड, इसकी जो लेंथ है वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रिंग एल का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब जब ये स्ट्रिंग इस एल का पार्ट नहीं है तो ये, इसका मतलब जो हम एजम्पशन लेके चले थे एल रेगुलर है तो वो एल रेगुलर नहीं है, एल क्या है आपका, एल नॉट रेगुलर। ठीक है, तो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं।